तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो मुझे आज फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन है जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए देख लेते हैं स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक आने वाली मैथ, इंग्लिश और ये फिजिकल एजुकेशन की तो अभी चली रही है सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पढ़ते हैं स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट में न्यूट्रिशन का कितना महत्व है, बेसिकली यही कहना चाहते हैं। स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन का नाम है इस चैप्टर का तो बैलेंस डाइट। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे डाइट कहा जाते हैं, और उसे प्रॉपर वे में बैलेंस करना, उस चीज़ को जो भी हम खाते हैं उसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। वे आप इतना ध्यान रखना, जो भी हम चीज़ खाते हैं उसको हम डाइट कह सकते हैं, और उसको कैसे बैलेंस करना है। अभी ऐसा तो नहीं कुछ भी खाते जाओ तो कैसे बैलेंस करना है उसको हम बैलेंस डाइट कह देंगे। वो होता है बैलेंस डाइट फूड को करना। अभी आगे देख लेते हैं इसमें किस टाइप के हैं। फर्स्ट अप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें दो है, देखिए MECRO मैक्रो, एक माइक्रो MICRO मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये MI का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपको दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स आएंगे। विटामिन में ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, और मिनरल्स में आपके इतने सारे बहुत से दिए हुए हैं, तो ये आएंगे मैक्रो और माइक्रो में। अभी फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट, फंक्शन क्या है बैलेंस डाइट का करने का। तो सफिशियंट एनर्जी, अगर हम डाइट को बैलेंस करते हैं तो हमें सफिशियंट एनर्जी मिलती है। अगर हम हर एक चीज़ को अच्छे से खाएं, उसको प्रॉपर तरीके से अगर बैलेंस करके खाएं, कुछ भी एडवांस ना खाएं, कुछ भी वेस्ट चीज़ ना खाएं, तो ऑप्टिमाइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ डेवलप होगा। प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गेन, हमारे ऑर्गेन का प्रॉपर फंक्शनिंग होगा। फास्ट रिकवरी, हमें कोई चोट लग जाती है या हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम अच्छे से उसको रिकवर हो सकें। फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट के सारे हैं फैक्टर, कम से कम आपको 5 याद करने होंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग डाइट, फैक्टर क्या 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 है जो अफेक्ट करते हैं। तो एजिंग, जेंडर, तो एजिंग होता है जेंडर, जो मेल को ज़्यादा कार्बो कैलोरीज की ज़रूरत होती है, फीमेल को कंपेयर देन कम होती है। वर्कआउट और प्रोफेशन, बॉडी वेट के लिए भी हम बॉडी वेट स्पेसिफिक स्पोर्ट डाइट, इन सब के लिए ये फैक्टर हैं, सब अफेक्ट करते हैं डाइट के, जिसके वजह से हमारा डाइट नहीं हो पाता है, बहुत सारे दिए हुए हैं। अभी न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स ऑफ डाइट, तो ये क्या है, तो इसमें न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स ऑफ डाइट में बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इसमें न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपको बस ये रखना है न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स ऑफ डाइट में क्या होते हैं, फैट को भी, मिनरल, विटामिन, मिनरल। अब सेकेंड में नॉन न्यूट्रोटिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं, तो वाटर, रफेज, रफेज ये टाइप ऑफ फाइबर इनडाइजेस्टिव प्रोटीन ऑफ फूड, ये फूड का वो पार्ट होता है या वो चीज़ होती है जो इनडाइजेस्टिव होती है, हमारे पेट में जल्दी से पचते नहीं है, इन्हें भी हम रफेज कह सकते हैं। ऐसे फाइबर, ये भी एक फाइबर के होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनेस एंड सॉरी प्रिजर्वेशन, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। इसमें हम अगर इसका यूज़ करें तो हमारी नो कैलरीज, हमें कैलरीज बढ़ेंगी नहीं, और इसको हम वो पर्सन यूज़ करते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिसमें उनको कैलरीज कम खाने को मिलती हैं और उसको मीठा भी लगता है ये। तो इस टाइप का है, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, सॉरी तो इसमें दिया ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, आप क्या खा के कैसे करके आप वेट कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका क्या फार्मूला है, तो इसमें दिया BMI, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करना है आपके बॉडी में कितने मास हैं, तो वेट kg अपन हाइट का m², तो मीटर में आप अपने हाइट को लेके उसका स्क्वायर करके वेट से डिवाइड कर देंगे, तो BMI बॉडी मास इंडेक्स आपका निकल जाएगा। अब नेक्स्ट चल के देखते हैं टिप्स ऑफ वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल करने के क्या टिप्स हैं, तो बहुत सारे हैं, आपको देख लीजिए। बैलेंस डाइट, ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर फूड, अवॉइड फैट, फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, अवॉइड जंक फूड नहीं खाने होंगे, ड्रिंक मोर देन वाटर,
सब तो आपको पता है, जो नहीं पता वो हम बताते हैं। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग ये क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आती है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो कुछ लोग अपने आप को अट्रैक्टिव रखने के लिए कुछ चीज़ें खाना छोड़ देते हैं या खाना खाना बंद कर देते हैं ताकि वो फिट रह सकें, अगर मोटे हैं तो खाना खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो वो चीज़ अगर कोई है जो स्लिम रहने के लिए, पतला रहने के लिए, खान अब अट्रैक्टिव दिखने के लिए खाना नहीं खा रहा है, इनसफिशियंट कैलरीज नहीं ले रहा है, और वो मोटा है तो पतला होने के लिए दवा ले रहा है, तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग हम इन सबको कह सकते हैं। इसमें क्या डिसएडवांटेज हैं, स्किन मील्स और लो एनर्जी डाइट है, ये सब रिक्स ऑफ ओबेसिटी बहुत सारे हैं। फूड इंटॉलरेंस, अब मैंने कहा फूड इंटॉलरेंस ये क्या होते हैं, तो फूड इंटॉलरेंस वो एक होता है फूड इंटॉलरेंस ये डाइट दैन ए पर्सन हैज डिफिकल्ट इन डाइजेस्टिंग ए पर्टिकुलर फूड। फूड इंटॉलरेंस वो चीज़ है जिसमें एक पर्सन को सिर्फ एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे फूड इंटॉलरेंस कह सकते हैं। अगर कोई भी हर एक व्यक्ति होता है जिसको एक चीज़ या एक दो चीज़ सब्जियां या कुछ खाने से उसको प्रॉब्लम हो सकती हो, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उसका बॉडी, सिर्फ एक दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उसको खाने में प्रॉब्लम होती है, वो फूड इंटॉलरेंस कहलाएंगे। अब डाइट मिथ, डाइट में ये होता है कि आप ये करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, तो मिथ मिथ मतलब भ्रम जो हमें होते हैं। ठीक है, ई कैन ईट मील्स बट नॉट राइस, हमें वीट खाने चाहिए, राइस नहीं खानी, रोटियां खानी चाहिए, भात नहीं खानी चाहिए, राइस नहीं खानी चाहिए, उससे हम मोटे हो जाएंगे। तो ये सब मीथ हैं, सब जो ये सब फालतू चीज़ें जो होती हैं, जो लोग कहते हैं कि ये करो, ये ना को फीवर है तो ये ना खाओ, कोल्ड है तो ये ना खाओ, तो ये सब मीथ हैं, सो भ्रम है, इन्हें मीथ कहते हैं। तो क्या ये नहीं खाओ तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाओ तो ये, सब चीज़ें सही नहीं होती, तो इसके बारे में बताया है। इफ़ेक्ट ऑफ डाइट ऑन परफॉर्मेंस, हमारे परफॉर्मेंस पे डाइट का क्या इफेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अगर हम अच्छे रहेंगे, हम अच्छे डाइजेस्टिंग करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेंगी। तो इससे बेसिकली चीज़ आप खुद सोच के ही समझ सकते हो। नेक्स्ट ये है फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड इट्स इफेक्ट। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता, फूड सप्लीमेंट ही होते हैं। अगर आप हमारे शरीर को जो प्रोटीन, जो मिनरल्स, विटामिन की कमी है, अगर वो डेली लाइफ के फूड्स खाने से नहीं मिल पाते हैं फ्रूट से, तो हम एक फूड सप्लीमेंट लेते हैं, दवाई लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो जिससे हमें खाने के द्वारा नहीं, एडवांस में अलग से हमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैटी एसिड, ये सब अलग टाइप के हमें विटामिन उन टैबलेट्स के द्वारा हमें मिल जाती हैं जो हमें खाने से नहीं मिल पाती हैं। तो ये सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट वो चीज़ है जो हमें खाने से नहीं मिल पाती है न्यूट्रिशन, तो हमें वो टैबलेट, वो चीज़ें लेके, फूड सप्लीमेंट लेके हमें मिल सकती हैं इनडायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं सिर्फ फूड से नहीं लेने से। तो और इसके ये इफेक्ट है कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल खाना ही मत खाओ और टैबलेट एक खा लो जिससे आपको सारे मिनरल, विटामिन, फाइबर मिल जाए, तो ये भी नहीं है, ये बेकार है, सिर्फ डिसएडवांटेज हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, वो ओवरकमिंग डिफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, अगर आप जल्दी से खाते हो कोई डिफिशियंट, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप जल्दी से ले सकते हो, क्योंकि खाने से आपको उतने अच्छे से विटामिन, प्रोटीन नहीं मिलेंगे ताकि आप रिकवर हो सके, तो आप न्यूट्रिशंस ले सकते हो, फूड सप्लीमेंट ले सकते हो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको वेट नहीं है तो फूड खाने से वेट नहीं हो रहे हैं, खाना खाने से नहीं हो रहे हैं, तो आप फूड सप्लीमेंट लेके अपने ताकत को बढ़ा सकते हो। और डिसएडवांटेज, लेस हेल्थी, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप सिर्फ वही ना खा के, खाना ना खा के सिर्फ डायरेक्ट फूड सप्लीमेंट ले रहे हो, तो ये भी बेकार है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी, और कुछ तो इम्पॉर्टेंट है नहीं जो बताने लायक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट में हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ, और गुड बाय।